तो गाइस सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी। इसका एक रीज़न है और रीज़न ये था कि मेरा जो गला था वो बहुत दिनों से ख़राब था, मेरी कुछ मेडिकल कंडीशंस थी वो स्टेबल नहीं थी। तो अब तो मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ एंड आप सभी लोगों के लिए कंसिस्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए आए हो एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंटली वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें कि एक ब्रदर अपनी सिस्टर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। अब ये दोनों आगे चल के इस मूवी में क्या भसड़ मचाते हैं ये हम लोग आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग डियागो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर एंड्रिया को एक लड़के के साथ डांस करते हुए देख रहा था। उसे सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अब एंड्रिया उस लड़के के साथ बाथरूम में जा रही थी। अब पता है हम लोग को ये लोग वहाँ पर क्या करने वाले थे, पर उनके मजे में भंग डालने के लिए यहाँ पर डियागो चला जाता है और अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी, तो वो मना कर देती है। अब डियागो अकेला ही घर पे आ जाता है। यहाँ में पता पड़ता है कि उसके जो फादर थे वो एक दूसरी शादी कर रहे थे, उनका डाइवोर्स हो चुका था। और यहाँ में ये भी पता पड़ता है कि इनके जो फादर थे बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी थे। यहाँ पर हम देखते हैं वो डियागो को पूछते हैं कि उसकी सिस्टर कहाँ है, तो डियागो कहता है कि वो पार्टी में ही है। यहाँ पर उसके जो फादर थे वो डियागो से नाराज हो जाते हैं और डियागो भी अपने फादर से नाराज हो जाता है किसी बात को लेकर और वो सीधा यहाँ पर किचन में चला जाता है। वो यहाँ पर कुछ खाने के लिए ढूंढता पर उसे कुछ नहीं मिलता। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं डियागो वहीं पर अपने सिस्टर्स को लेने के लिए जाता है पार्टी में। वहां पर उसे उसकी सिस्टर मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी और अपनी फ्रेंड के घर पे ही सो गई थी रात को। यहाँ पर हम देखते हैं डियागो अपनी सिस्टर एंड्रिया को घर पे लेकर आता है और ये लोग यहाँ पर एलिस का मजाक उड़ाते हैं जो कि उनकी स्टेप मदर थी जिससे कि उसके पापा ने दूसरी शादी करी थी। पर यहाँ पर जो एलिस थी वो इन दोनों की बातों का बुरा नहीं मानती है, उनको इग्नोर करती है। उसे लगता है कि ये बच्चे कुछ अजीब हैं, इन्हें मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर चलो देखते हैं आगे चल के। हम लोग देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के जो फादर होते हैं वो इन दोनों से मना कर देते हैं कि आज संडे है और तुम दोनों कहीं पर भी बाहर नहीं जाओगे। पर हम लोग देखते हैं जैसे इनके फादर बाहर जाते हैं ये लोग एक पार्टी का प्लान कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि यहाँ पर जो डियोगो है उसका अपनी सिस्टर एंड्रिया की तरफ एक आकर्षण है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डियागो के जो फादर थे वो डियागो को अपनी कंपनी में लेकर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एलिस घर पे अकेली थी। यहाँ पर हम देखते हैं डियागो अपने फादर के साथ उनकी कंपनी में होता है। उसके फादर डियागो को सारा काम समझा रहे थे और कुछ समझ की बातें सिखा रहे थे कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है और तुम आगे चल के क्या करोगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को यहाँ पे एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंड्रिया बैठी हुई थी। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखने के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि एंड्रिया अब यहाँ पर अबॉर्शन तो करवा नहीं सकती थी क्योंकि उसके 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे और उसे ये भी नहीं पता था कि वो जो बच्चा है उसके पेट में वो किसका है। यहाँ पर वो अबॉर्शन करवाने के लिए आई हुई थी पर यहाँ पर वो सब नहीं हो रहा था, तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज थी और वो एक तरह से खुश भी थी। अब वो पता नहीं दारू के नशे में खुश थी तो अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताती है। अब दारू के नशे में एंड्रिया घर पे आती है। हम लोग डियागो को देखते हैं जो कि एंड्रिया को अंड्रेस कर रहा होता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था तो वो उसे अंड्रेस करता है, मास्टरबेट करता है। तभी वहां पर वो बाहर आता है तो वो रिग्रेट करने लगता है। अब अगले दिन हम लोग डियागो को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ उनकी कंपनी में आता है और कुछ यहाँ पर अपनी जॉब को संभालने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एंड्रिया को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं वो एंड्रिया से कहती हैं कि क्या तुमने ये बात अपने घर पे बताई, तो एंड्रिया उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं ये बात अपने फादर को नहीं बता सकती। तब यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हें उन्हें ये बात बतानी चाहिए। हम लोग देखते हैं एंड्रिया होती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी कर रही होती है क्लब में। यहाँ पर एंड्रिया बहुत ही ज्यादा शराब पी लेती है और उसका जो ड्राइवर होता है वो एंड्रिया को घर पे छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर जैसे वो ड्राइवर एंड्रिया को छोड़ता है तो डियागो उस ड्राइवर से थैंक्स बोलता है और ड्राइवर को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डियागो था वो अपनी सिस्टर एंड्रिया के साथ यहाँ पर इंटीमेट होता है, वो उसे अंड्रेस करता है, उसके साथ इंटीमेट होता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं एंड्रिया जो थी वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, तो वो अगले दिन अपने फादर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम कितने महीनों से प्रेग्नेंट हो, तो वो उन्हें बताती है कि मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो अबॉर्शन भी नहीं हो सकता। तो उसके फादर उसे एक आइडिया देते हैं कि तुम मायामी में हमारे दूसरे फ्लैट पे चले जाओ और 6 महीने के लिए वहां पर ही रहो, मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब हम एंड्रिया के फादर को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ एलिस के साथ बैठे हुए थे, स्मोक कर रहे थे और यहाँ पर उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे एंड्रिया के बारे में। वो यहाँ पर उनसे कह रहे थे, यहाँ पर जो एलिस होती है वो एंड्रिया से कहती है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी और तुम्हारे बच्चे को भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी क्योंकि आखिरकार तुम हमारी बेटी हो, अब हमें ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो
तो तुम हमारे डिसीजन को मानो और मायामी चले जाओ और 6 महीने तक वहीं पर ही रहो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं डियागो को जो कि पार्टी में था, पर उसे वहाँ पर अपनी सिस्टर नजर नहीं आ रही थी क्योंकि उसको जो सिस्टर थी वो घर पे अपने कपड़े पैक कर रही थी अगले दिन जाने के लिए। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, डियागो को भी नहीं और अपने फ्रेंड्स को भी नहीं। अब अगला दिन होता है, हम लोग देखते हैं कि जो एंड्रिया थी वो जा चुकी है और डियागो किचन में आता है एक मेड से पूछने के लिए कि वो यहाँ पर कहाँ है। तो अब मेड जो होती है वो भी डियागो को नहीं बताती कि एंड्रिया मायामी चली गई है। इसके बाद हम लोग डियागो को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आता है, वो कॉल एंड्रिया की थी और वो उसे बताती है कि वो मायामी में है। यहाँ पर उसे एंड्रिया की एक फ्रेंड मिलती है, वो उसे बताती है कि मायामी में एंड्रिया रह रही है और वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर जो डियागो होता है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और अपने घर को छोड़ने की कोशिश करता है। वो ट्रेन में बैठ के कहीं पर दूर निकल जाता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे। वो यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहता था अपने घर पे क्योंकि वो सिर्फ अकेला ही रह गया था, उसकी सिस्टर भी चली गई थी। अब हम यहाँ पर 6 महीने बाद देखते हैं जो डियागो की जो स्टेप मॉम थी उन्होंने उसके फादर से सच में ही शादी कर ली थी। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ गेस्ट आए हुए थे और यहाँ पर एंड्रिया की डॉटर भी थी, पर यहाँ पर एंड्रिया जो थी वो अब्सेंट थी, यहाँ पर वो थी नहीं इस पार्टी में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ लोगों को जो कि एंड्रिया के बारे में इस पार्टी में बात कर रहे थे। लोग उस शादी में तरह तरह की बातें निकाल रहे थे कि अभी तो फादर की शादी हुई है और बेटी की तो शादी भी नहीं और उसने अपना बच्चा कर लिया। कुछ इसी तरह से मूवी एंड होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।